Dr. Khan, give her a Deriphyllin injection and immediately put her on oxygen. Okay? Doctor, anything to worry about? I think she is having a severe asthma attack. Oh my God. Okay? Dr. Sir, get all the tests done and send me the reports. Yes, sir. Aap chaliye mere sir. Okay. Young man, are you related to this girl? No, doctor. I'm not related to her. Raaste se guzar raha tha aur ye ladki behosh ho gayi. तो मैंने इसकी मदद की। गुड गुड वेल डन आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू डॉक्टर। काश देश के सारे नौजवान आप ही की तरह सोचने लगे। डॉक्टर मैंने तो सिर्फ अपना इंसानी फर्ज निभाया। गुड गुड व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज विनय वर्मा। हाय विनय। थैंक यू। देखो ऐसा है कि पैथोलॉजी की रिपोर्ट आए बिना तो मैं डेफिनेटली कुछ कह नहीं सकता, मगर आई थिंक शी हैज अ सीवियर अटैक ऑफ आस्थमा और शायद इसके कानों में भी कुछ तकलीफ है। ठीक है, तुमने इसके घर वालों को इन्फॉर्म किया? मैं तो इसका नाम भी नहीं जानता डॉक्टर। ओके डू वन थिंग, चेक हर पर्स, शायद तुम्हें कोई फोन नंबर वगैरह मिल जाए, देन कॉल अप और टेल द नर्स शी विल डू इट। दैट्स अ गुड आइडिया। या बाय।
नर्स, क्या मैं पेशेंट की डायरी देख सकता हूँ? थैंक यू. जूही रस्तोगी. आज क्या हो गया है जूही को? इतनी देर तुम कभी नहीं करती थी. शायद उसी का फोन. हेलो. हेलो, क्या ये जूही रस्तोगी का घर है? हाँ, बोलिए. मैं विनय वर्मा बोल रहा हूँ. आप कौन बोल रही हो? मैं उसकी माँ बोल रही हूँ. नमस्ते आंटी जी. अचानक आपकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है. क्या हुआ मेरी बच्ची को? आंटी, चिंता करने की कोई बात नहीं है, पर आप अर्जेंटली शारदा हॉस्पिटल में आ सकती हो? ठीक है, मैं अभी आती हूँ. फीवर इज कंटिन्यूइंग, बीपी भी लो है. एक काम करिए, सेम इंजेक्शन कंटिन्यू कीजिए. ओके. और टेस्ट रिपोर्ट्स का क्या हुआ? स्पेसिमेन भेज दिए, कल शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी. गुड. मेरे ख्याल से वो रिपोर्ट्स देखकर ही इसके बारे में कुछ फाइनल डिसीजन लगे. जी, तब तक यू कैन कंटिन्यू द सेम मेडिसिन. और हाँ, इनके घर से कोई आए तो उन्हें बता देना कि आई वॉन्ट टू मीट देम. ओके. ठीक है. यस. सिस्टर, जूही रस्तोगी किस कमरे में है? आप जूही की माँ हो? हाँ. मैं विनय वर्मा. आपने फोन किया था? हाँ जी. कहाँ है? आप चलिए प्लीज, अर्जेंटली आइए. जूही, जूही, क्या हुआ मेरी बच्ची को? आंटी रिलैक्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा. आंटी जस्ट रिलैक्स. आंटी आंटी, आप प्लीज बैठिए, मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ. आंटी प्लीज, आंटी प्लीज. जूही जी, आपकी शहर से चिट्ठी आई है. अच्छा, इसमें सही कर लीजिए. थैंक यू. माँ, 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 क्यों इतना चिल्ला रही है? मैं कोई बहरी नहीं हूँ. माँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. मुझे बॉम्बे की एक बहुत बड़ी एड एजेंसी में क्रिएटिव डायरेक्टर की जॉब मिल गई है और मुझे 10 दिनों में रिपोर्ट करना है. ना बाबा ना, मैं तुझे हरगिज नहीं भेजूंगी. दुबई तेरे बड़े भाई को भेजकर मैं अपना बेटा पहले ही खो चुकी हूँ. अब अपनी बेटी को मुंबई भेजकर मैं अपनी बेटी नहीं खोना चाहती. माँ, तू कैसी बातें कर रही है? ऐसे मौके रोज रोज थोड़ी ना मिलते हैं. ना मिले मेरी बला से,
मैं तेरी छोटी सी नौकरी से भी खुश रहूंगी। बेटी, यहाँ छोटी सी जगह में अपना कितना खुला घर है, खुली खुली हवा है, ताजी हवा, खुला मैदान, बस हमें और क्या चाहिए। मैं मुंबई की भूल भुलैया में तुझे हरगिज नहीं जाने दूंगी बेटी। अच्छा माँ, एक काम करते हैं, तू भी मेरे साथ चलना, और फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कंपनी हमें रहने के लिए घर दे रही है, बस यहाँ से सामान उठाना है और वहां रखना है। थैंक यू मामा, थैंक यू सो मच। यहाँ पर रख दीजिए बस। कितना हुआ? 92। ये लीजिए। मैडम चेंज नहीं है। रख लीजिए। उफ, क्या शहर है बेटी। गांव से स्टेशन तक आने में इतनी थकावट नहीं हुई जितनी थकावट स्टेशन से यहाँ तक आने में हो गई। जितना सुना था ना इस शहर के बारे में, उससे कहीं ज्यादा ही पाया। चारों तरफ भीड़ ही भीड़, गाड़ियां ही गाड़ियां, शोर शराबा, धूल। ओहो, मेरे तो कान और नाक दोनों ही बंद हो गए बेटी। माँ, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर बैठ जा, इधर आ। हाँ, बैठ जा। सर चकराने लगा मेरा। माँ, ये हमारा गांव नहीं है, मुंबई है मुंबई। ये तो अच्छा हुआ कि कंपनी की तरफ से हमें रहने के लिए इतना बड़ा फ्लैट मिला, वरना तुम उन छोटे छोटे फ्लैट्स को देखती तो वहां एक मिनट भी खड़ी नहीं रहती। आई एम श्योर कंपनी को इस फ्लैट के लिए 5,000 से ज्यादा किराया देना पड़ता होगा। किराया 5,000 हो या 5 रुपए, लेकिन मुझे तो ये शहर पसंद नहीं आया। माँ, जो करोड़ों लोग यहाँ पर रहते हैं वो बेवकूफ तो नहीं होंगे ना? छोड़ो, तुम्हें नहीं समझ में आएगी बात। माँ, यहाँ लोगों को तरक्की करने का मौका मिलता है, नाम कमाने का मौका मिलता है। यहाँ पर वही लोग आते हैं जिनमें कुछ कर दिखाने की ललक होती है। और कुछ कर दिखाने की ललक में वो अपने आप को भी भूल जाते हैं। छोड़ो, इस बहस का कोई अंत नहीं। फिलहाल मैं तैयार होती हूँ, मुझे कंपनी में इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। Juhi, welcome to our office. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, let me introduce you to Juhi, our new creative director. Juhi, ye hai Neha, visualizer. Hello. Hi. Very efficient, but a latecomer. Oh no, sir. Yes, ma'am, yes. Aur ye hai Mr. Swaminathan, chief accountant. Vadakkam. Namaste. Bahut kam bolte hain, lekin jab bhi bolte hain, दूसरे को बोलने का मौका बिल्कुल नहीं देते। Excuse me, sir. और ये है मिस्टर रॉबिन, हमारे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, वेरी एफिशिएंट एंड डायनामिक। यस सर। और ये है हमारे अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव मिस्टर विल्सन, पीआरओ मिस्टर अमित, रिसेप्शनिस्ट सुधा एंड श्वेता। दोस्तों, मुझे आप सब से मिलकर बहुत खुशी हुई और मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि आप सब मुझे कोऑपरेट करेंगे तो काम करने में बड़ा मजा आएगा। Of course, why not? हम सब लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। Thanks. नेहा, yes, इन्हें इनका काम समझा दो। And all the best. Thank you. And I'll take your leave. Yeah. Bye bye. Bye bye. He's a nice man. Juhi, अपने जो ये बॉस है ना, अभी तो बहुत हंस हंस कर बात कर रहे थे, लेकिन है बॉस ट्रिक। नेहा, हम यहाँ पर काम करने आए हैं तो we are expected to be punctual. वो तो ठीक है, लेकिन काम का इतना ओवरलोड भी तो नहीं होना चाहिए ना। जब तुम काम करोगी ना तो खुद ही समझ जाओगी। मैं अपने काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। आई थिंक हमें हमारा काम पूरी मेहनत और लगन से करना चाहिए। ओके, लेट्स गेट गोइंग, कम। अरे आ गई बेटी, क्या बात है, बड़ी थकी हुई लग रही है, चेहरा भी मुरझाया हुआ है। ऑफिस में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? माँ, एक साथ कितने सवाल पूछती हो तुम, दो मिनट सांस तो लेने दो।
अच्छा अच्छा मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। ले बेटी चाय बनाओ। नहीं आज दफ्तर में पहला दिन कैसा रहा? ठीक था, अच्छी कंपनी है माँ, लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आने जाने में बहुत परेशानी होती है माँ। ट्रेन में इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि एक दफा चढ़ जाओ तो उतरने नहीं मिलता, और फिर बस की लाइन में भी इतनी क्यों होती है कि बात मत पूछो। माँ मैं सोचती हूँ कि एक स्कूटर खरीद लूँ। स्कूटर? अरे इस मुंबई में इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में तो स्कूटर चलाएगी? यहाँ तो रास्ते ही नजर नहीं आते, चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां। ये अपने गांव की सड़क नहीं है जहाँ तू साइकिल चलाती थी? ना बाबा ना, मुझे तो बड़ी घबराहट होती है। माँ तुझे बार बार ये घबराहट क्यों होती है? जरा बाहर जाकर देख, मेरे जैसी कितनी लड़कियां हैं जो फर्राटे से अपनी गाड़ियां और स्कूटर चलाती हैं, उन्हें तो कभी कुछ नहीं होता। आप मिसेस रस्तोगी? जी हाँ, मैं जूही की मम्मी हूँ। ऐसा कीजिए, आप डॉक्टर संतानी से मिल लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, घबराने वाली बात नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप मिल लीजिए डॉक्टर साहब से, वो सब बता देंगे। ओके। डॉक्टर साहब मैं अंदर आ सकती हूँ? जी हाँ आइए। आप? मैं जूही रस्तोगी की माँ। ओहो आई, बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए। डॉक्टर साहब मेरी बच्ची को क्या हुआ है? अजी मैं बताता हूँ, पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या जूही ने बचपन में आपसे कभी ये शिकायत की थी कि उसको चक्कर आते हैं, मतली आती है, या कोई और किस्म की कॉम्प्लिकेशंस वगैरह? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, इसकी सेहत तो बचपन में बहुत अच्छी थी, और इसकी वजह इसके पिताजी थे जिन्होंने हमेशा इसे सेहत के बारे में अच्छी अच्छी बातें सिखाई। वो एक्सरसाइज करती थी और स्कूल के खेलों में भाग लेती थी, और सुबह उठने पर हमेशा अपने आप को बड़ा फुर्तीला महसूस करती थी। डॉक्टर साहब यहाँ आने के कुछ दिनों के बाद ही उसने कहना शुरू कर दिया कि वो बहुत थकावट महसूस कर रही है, उसकी आँखें जलती हैं, सर चकराता है, और कानों में उसे कुछ घंटियाँ सी बजती सुनाई देती थी। डॉक्टर साहब मैंने सोचा कि ये उसे थकावट के कारण कमजोरी महसूस हो रही है, लेकिन आज ये उसे क्या हो गया है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब वो अच्छी तो हो जाएगी ना? नहीं आप फिक्र ना करें, भगवान ने चाहा तो आपकी बच्ची बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जहां तक इन रिपोर्ट से मेरी समझ में आ रहा है, इसको एक्यूट एलर्जिक आस्थमा है, यानी कि एलर्जी से जो दमा होता है वो, और सीवियर लैरिंजाइटिस भी है, सेवंथ क्रेनियल नर्व भी इसकी अफेक्टेड है, और लो ब्लड प्रेशर है, यानी कि बीपी जो है इसका लो है, और ये जो सारे कॉम्प्लिकेशंस आप बता रहे हैं ना, चक्कर आना वगैरह, मत्ती आना, ये सब इन्हीं बीमारियों के लक्षण हैं, और इन सारी बीमारियों की वजह है वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। वैसे आप फिक्र मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी बच्ची जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब उसे कब तक होश आ जाएगा? मेरे ख्याल से कल सुबह तक होश में आ जाना चाहिए। बहुत बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब। बेटी, माँ मैं कहाँ हूँ? चुपचाप लेटी रहे बेटी, तेरी तबीयत ठीक नहीं है।
क्या हुआ माँ मुझे? वही जिस बात का मुझे डर था। मैं तो शुरू से ही शहर के खिलाफ थी। कितना समझाया भी तुझे और तूने मेरी एक नहीं। जिस शहर में इंसान को सांस लेने के लिए हवा ना मिले वहां इंसान कैसे जिंदा रह सकता है? बेटी धुआं और धूल इंसान को मौत दे सकते हैं, जिंदगी नहीं। अब तो तू समझ गई ना तुझे क्या हुआ है। बेटी तुझे याद है जब तू अपने ऑफिस पहले दिन गई थी? कितना खिला खिला चेहरा था तेरा, बिल्कुल गुलाब की तरह। लेकिन आज Come in. Thank you. Welcome, Miss Juhi Rastogi. Thank you. बैठिए please. कब आई हैं आप? आज सुबह ही। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अलीगढ़ से मुंबई तक आने में दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन घर से ऑफिस तक आने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। भाई दिस इज बॉम्बे, इसीलिए किसी गीतकार ने कहा है ये बॉम्बे है हादसों का शहर। I know. Is this your first visit to Bombay? नहीं, इससे पहले एक दफा आई हूँ पापा के साथ, लेकिन तब मैं बहुत छोटी थी। अच्छा अच्छा, क्या करते हैं आपके पापा? He is normal. Oh, I'm so sorry. Well, he was into marketing. उन्हीं के साथ मैं सभी जगह जाती रहती थी। अरे ये तो मैं आपको पूछना ही भूल गया, क्या लेंगे आप, ठंडा कॉफी गरम? No, nothing sir, thank you. तो फिर काम की बात करें? Yes. अच्छा, पहले सबसे पहले मैं आपको हमारी कंपनी का मोटो समझा दूं। This is punctuality. मुझे लेट कमर्स, लेट लतीफ बिल्कुल पसंद नहीं। दे आर नॉट वेलकम इन दिस कंपनी। सर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपको शिकायत का कोई मौका ना मिले। दैट्स वेरी गुड। आपकी प्रोग्रेस आपके काम पे डिपेंड करती है। मैंने आपका बायोडाटा तो पढ़ा है, आप काफी एफिशिएंट और हार्ड वर्किंग है, तो बाकी काम आपको नेहा समझा देगी। आइए मैं आपको स्टाफ से इंट्रोडक्शन करा दूं। यस सर। कहाँ खो गई थी बेटी? कहीं नहीं माँ। तेरे भैया को तेरी बीमारी की खबर कर दूँ? नहीं माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं। सिर्फ मेरे ऑफिस में फोन कर देना कि मैं 2-3 दिनों तक ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। ठीक है बेटी, अभी कर देती। सिस्टर एक जरूरी फोन करना है। हेलो, मैं जूही रस्तोगी की माँ बोल रही हूँ। मैं जूही की दोस्त नेहा बोल रही हूँ। अच्छा जूही आज ऑफिस नहीं आई? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कल शाम को ऑफिस से लौट रही थी तो उसे चक्कर आ गया, वो गिर गई थी। मैं इस वक्त शारदा अस्पताल से बोल रही हूँ। ओह माय गॉड, कैसी है उसकी तबीयत? उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई? कब तक ठीक हो जाएगी? ये कैसे बता सकते हैं, लेकिन 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे। ओके आंटी जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी बॉस से बात करती हूँ। और हाँ, मैं भी हॉस्पिटल में आती हूँ। ठीक है। ओके। हाय, अभी आपकी तबीयत कैसी है? आप? मैं विनय वर्मा। ओह हाय, मैंने बताया। प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। ये आपके लिए। Oh thanks. Please sit down. Thanks. वैसे आपको ये अटैक पहले भी हो चुका है? जी नहीं, आपके शहर में पहली दफा हुआ है। तो इसका मतलब आप इस शहर की नहीं है? नहीं, मैं एक छोटे से शहर से आई हूँ, इस शोर शराबे और धुएं की महानगरी में नौकरी करने। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप हमारे शहर से बहुत नाराज हैं। शहर से नहीं, यहाँ के पोल्यूशन से नाराज हूँ। सुबह घर से निकलो तो शाम तक चेहरे और कपड़े इन दोनों का रंग बदल जाता है। इस वजह से मैं अपना वीकेंड अपने फार्म हाउस में गुजारता हूँ। आप जैसे लोग अपना वीकेंड फार्म हाउस में गुजारते हैं और हम जैसे लोग हॉस्पिटल में। ऐसी बात नहीं है जूही, हर कोई आदमी इस शहर में इस पोल्यूशन का शिकार है, कोई ज्यादा तो कोई कम। या आप तो इसी शहर से है ना?
हूँ तो इसी शहर का, पर अकेला। मेरा कोई दोस्त नहीं है। ऐसा क्यों? काम का बोझ कहिए या समय की कमी। तो फिर आज कैसे समय मिल गया? समय मिला नहीं, निकाला है। इसकी वजह जान सकती हूँ? इसकी वजह दोस्ती। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी? Of course, your friends from today. Oh, that's great. By the way, जूही, मैं आपको और डिस्टर्ब नहीं करूंगा क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि आपको सख्त आराम की जरूरत है। मैं आपको कल आके मिलता हूँ। Okay? Get well soon. Thanks. Take care. Bye. जूही। हाय। अब कैसी है तबीयत तुम्हारी? पहले से ठीक हूँ। पर जूही, अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया? नेहा, उस दिन मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी, बस का इंतजार कर रही थी। इतना ट्रैफिक था और बहुत ज्यादा धुआं था। अचानक मुझे चक्कर आने लगे, मैं खांसने लगी। आई जस्ट कुडंट ब्रीथ और फिर मैं गिर पड़ी। जब आंख खुली तो अपने आप को इस हॉस्पिटल में पाया। यू नो, मेरी तो जान ही निकल गई थी जब मुझे पता चला कि तुम यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हो। और यू नो, ऑफिस में सभी कितने फिक्र कर रहे थे, खास तौर पर बॉस तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। उनसे थैंक्स कहना।